फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं डीएनपी इंडिया और ताजा स्पोर्ट्स अपडेट्स लेकर मैं हूँ आपके साथ सुनीता। तो चलिए दोस्तों देखते हैं टॉप 5 स्पोर्ट्स स्टोरीज ऑफ द डे। टोक्यो ओलंपिक के उद्घाटन समारोह में भारतीय दल के मार्च पास्ट के दौरान एक चैनल ने खेल मंत्री अनुराग ठाकुर को आधी स्क्रीन पर दिखाया। एक फैन ने इस पर ट्वीट किया है कि अनुराग ठाकुर और ओलंपिक्स में भारतीय एथलीट्स को स्प्लिट स्क्रीन पर दिखाना ठीक नहीं है। एक और यूजर ने ट्वीट किया कि यहां अनुराग ठाकुर को दिखाने और भारतीय एथलीट्स का स्क्रीन साइज घटाने की क्या जरूरत थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने टोक्यो ओलंपिक के उद्घाटन समारोह के दौरान स्टेडियम में भारतीय दल के प्रवेश करने पर खड़े होकर ताली बजाई। इसका वीडियो सामने आया है जिसमें प्रधानमंत्री टीवी पर उद्घाटन समारोह देख रहे हैं। मुक्केबाज मैरीकॉम और भारतीय पुरुष हॉकी टीम के कप्तान मनप्रीत सिंह उद्घाटन समारोह में राष्ट्रों की परेड के दौरान भारतीय ध्वजवाहक रहे। चीन की 21 वर्षीय चियान यांग ने टोक्यो ओलंपिक गेम्स का पहला गोल्ड मेडल जीत लिया है। चियान ने 10 मीटर एयर राइफल के वुमेन्स फाइनल में 251.8 का स्कोर हासिल किया। रूसी ओलंपिक कमेटी की अनास्तानिया गलेशिना ने 251.1 के स्कोर के साथ सिल्वर मेडल, जबकि स्विट्जरलैंड की नेना क्रिस्टन ने 230.6 के स्कोर के साथ ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया है। कप्तान के तौर पर अपना पहला टॉस जीतने के बाद शिखर धवन की प्रतिक्रिया सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रही है। जी हां दोस्तों, कोलंबो के आर प्रेमदासा स्टेडियम में श्रीलंका के खिलाफ तीसरे और आखिरी वनडे मैच में शिखर धवन ने भारतीय कप्तान के तौर पर अपना पहला टॉस जीता। टॉस जीतने के बाद धवन ने इस पल का जश्न थाई फाइव के साथ मनाया और उनकी प्रतिक्रिया काफी वायरल हो गई। आपको बता दें दोस्तों कि धवन इससे पहले पिछले दोनों ही वनडे मैचेस में टॉस हार गए थे। कोलंबो के आर प्रेमदासा स्टेडियम में शुक्रवार को खेले गए बारिश से प्रभावित तीसरे और आखिरी वनडे मैच में श्रीलंका ने भारत को 3 विकेट से हरा दिया है। 9 साल में ये पहली बार हुआ है जब भारत श्रीलंका की धरती पर उससे वनडे मैच हारा है। इससे पहले 24 जुलाई 2012 को श्रीलंका ने भारत को अपनी घरेलू जमीन पर हबन टोटा पर हराया था। टोक्यो ओलंपिक के उद्घाटन समारोह की परेड में पाकिस्तान, तजाकिस्तान और किर्गिस्तान की टुकड़ियों के ध्वजवाहकों ने बिना फेस मास्क पहने प्रवेश किया और ये तब हुआ जब आयोजकों ने कोविड-19 महामारी के बीच समारोह से पहले मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग को बढ़ावा दिया था। आपको बता दें दोस्तों कि टोक्यो ओलंपिक से जुड़े 100 से भी अधिक लोग अब तक कोविड-19 संक्रमित हो चुके हैं। इस बीच पाकिस्तानी दल का फेस मास्क के बिना उद्घाटन समारोह में प्रवेश करना आलोचना का विषय बन गया है। तो दोस्तों टॉप स्टोरीज में फिलहाल इतना ही। बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए डीएनपी इंडिया के साथ। इसके अलावा अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि समय समय पर आपको स्पोर्ट्स से जुड़ी हर एक अपडेट मिलती रहे।